यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिकता नागरिक संहिता, इसको लेकर केंद्र सरकार ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। लॉ कमीशन ने लोगों से सुझाव मांगे हैं। बीजेपी ने लॉ कमीशन की पहल का स्वागत किया है, जो कि कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। और इस बीच संघ के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा है कि भोपाल में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यक्रम में विद्वानों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन किया है। देश में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी तेज हो गई है। लॉ कमीशन ने इस पर विचार विमर्श किया, प्रक्रिया शुरू कर दी और आम जनता, सार्वजनिक धार्मिक संस्थानों, संगठनों से भी इस पर राय मांगी है। बीजेपी ने इस पहल का समर्थन किया है। एमपी बीजेपी के प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी ने कहा कि लोगों की राय जरूरी है, जो निचोड़ निकलेगा उस पर सरकार आगे काम करेगी। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने भी इसे अच्छी पहल बताया कि सबके सुझाव जाएंगे। भारत सरकार की एक बेहतर पहल है कि किस तरीके से हम सबका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है और क्या उसमें सुझाव आ सकते हैं, उन सुझावों के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। माननीय गृहमंत्री जी ने भी जब ये बात कही कि इस विषय पर, चूंकि ये विषय ऐसा है जिसमें सबका समावेश होना चाहिए और उस दिशा में ये आगे बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से सबका जब निचोड़ आएगा तो बेहतर होगा। देखिए, किसी भी विषय को लेकर के जनता से सुझाव मांगना या जिन लोगों से कोई आने वाला प्रावधान जुड़ा हुआ है उनसे समझकर, उनसे बात करके उन चीजों को करना, मुझे लगता है ये किसी भी सरकार के लिए एक अच्छी पहल है। और समय समय पर हर सरकार को चीजों को रिव्यू करना पड़ता है और जरूरत के आधार पर, जनता की मांग के आधार पर नए कानून भी लाने पड़ते हैं। तो जैसा देश की जनता के लिए, देश के लिए हित में होगा, वैसा बदलाव आने वाले समय में जनता के सुझाव के साथ किया जा सकता है। बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन कर रही है, लेकिन कांग्रेस विरोध में उतर आई है। कांग्रेस नेता आरिफ मसूद ने कहा कि देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। उन्होंने कहा कि देश में कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो ही नहीं सकता। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का भी यही रुख है। पार्टी कह रही है कि जब जब चुनाव आते हैं बीजेपी ऐसे हथकंडे अपनाती है। देखिए, ये एक शोशेबा है जो बहुत ज्यादा अफसोसनाक है। इस देश में कॉमन सिविल यू नहीं हो सकता कि सभी धर्मों के लोग अलग अलग मजहब के मानने वाले रहते हैं। और जब हिंदुस्तान की आज़ादी मूल ढांचे पर हमको गौर करना चाहिए, जब मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों से सभी धर्मों के लोगों ने मिलकर लड़ाई लड़ी, उसके बाद एक खाका बना जिसने सबने बाबा साहब के ऊपर भरोसा करते हुए एक संविधान का ढांचे का स्वरूप दिया, जिस संविधान पर सबने चलने के लिए सहमति दी उस दौर में, तो ये उनके साथ भी कुठाराघात होता है जब जब हम ये बात उठाते हैं। ला कमीशन को मेरी दरखास्त है कि कॉमन सिविल से ज्यादा बेहतर जो संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं, जो बाकी कानून की धज्जियां उड़ रही हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए। और कॉमन सिविल इस देश में कभी लागू नहीं होगा, क्योंकि कॉमन सिविल इसलिए लागू नहीं होगा कि अकेले मुस्लिम ही नहीं, लिंगायत भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, तमाम ऐसे मजहब के लोग हैं जिनके अपने अपने अलग अकायदे हैं, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब जब आम चुनाव आते हैं उसके कुछ दिन पहले इस प्रकार के हथकंडे अपनाती है। कॉमन सिविल कोड भारतीय जनता पार्टी का एक नया हथकंडा है। दरअसल नरेंद्र मोदी जी के पास में पिछले 9 साल में ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है जिसको लेकर वो जनता के बीच जाए। कभी वो सेना के पराक्रम के बीच में, कभी राष्ट्रवाद के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे इस प्रकार की बातें करते थे। 370 का हल्ला उड़ाया इन्होंने। 370 हटाने के बाद भी जम्मू कश्मीर की स्थिति क्या है, हमसे आपसे किसी से छुपी नहीं है। तो कांग्रेस खुलकर यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रही है। इस पर जब छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इस पर जो कांग्रेस का स्टैंड है वही स्टैंड उनका भी है। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड वो मेरा स्टैंड है। कांग्रेस का स्टैंड, कांग्रेस प्रवक्ता उसको बताएंगे। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड वो मेरा स्टैंड है। कांग्रेस का स्टैंड, कांग्रेस प्रवक्ता उसको बताएंगे। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड वो मेरा स्टैंड है। कांग्रेस का स्टैंड, कांग्रेस प्रवक्ता उसको बताएंगे। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड वो मेरा स्टैंड है। कांग्रेस का स्टैंड, कांग्रेस प्रवक्ता उसको बताएंगे। मध्य प्रदेश उलेमा बोर्ड के प्रेसिडेंट ने भी कॉमन सिविल कोड का विरोध किया और इसे संविधान की भावना के खिलाफ बताया। हिंदुस्तान जैसे मुल्क के अंदर जो यहाँ का दस्तूर बनाया गया है, जो अंबेडकर साहब और पूरी टीम ने जो दस्तूर बनाया, इसके अंदर के ये कहा गया कि हर एक आदमी को जो फंडामेंटल राइट कर दिया गया है, उसको अपने धर्म पर अमल करने की पूरी गुंजाइश होगी, तो उस धर्म के उस जो फंडामेंटल राइट है उसके तहत जो मजहबी
आइडेंटिटी के साथ रहने का जो हक दिया गया है वो हिंदुस्तान के लिए मुनासिब है, और सिविल कोड का जो कानून सिविल बनाने की फिक्र की जा रही है या मांग की जा रही है, और ला कमीशन ने जो मांगा है, हम पूरी ला कमीशन से उम्मीद करते हैं कि वो हिंदुस्तान के माहौल को समझेगा। और हम सिविल कोड के ताल्लुक से हम कहते हैं कि इसमें मुसलमान नहीं बल्कि यहाँ पर तमाम मजाहब के लोग रहते हैं, और यहाँ के कबाइल के अपने रहते हैं, उनकी अपनी परंपराएं हैं, तो इससे हिंदुस्तान की एकता और अखंडता और यहाँ की जो एक तहजीब है उस फर्क पड़ेगा, इसलिए हम सिविल कोड के बिल्कुल हक में नहीं है। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जारी बहस के बीच आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भोपाल में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के अभ्यास वर्ग के दौरान मुस्लिम विद्वानों ने बताया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड उन्हें मंजूर है, ये हर मजहब की पहचान की रक्षा करेगा, इससे भाईचारा बढ़ेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड एंटी मुस्लिम एंटी माइनॉरिटी नहीं है। अभी भोपाल में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का 4 दिवसीय द्विवार्षिक बहुत बड़ा अभ्यास वर्ग था, और उसमें उच्च कोटि के मुस्लिम विद्वानों ने शिरकत की थी, और उन्होंने बताया यूनिफॉर्म सिविल कोड या कॉमन सिविल कोड या वन नेशन वन पीपल वन लॉ के नाम से जाने जाने वाला कोड यह मंजूर है, क्योंकि यह रास्ता हर एक मजहब की पहचान की रक्षा भी करेगा, आपसी डिसिप्लिन भी लाएगा, मजहबों और जातियों में भाईचारा भी बढ़ेगा। बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत कर रही है, लेकिन कई दल इसका विरोध भी कर रहे हैं। लॉ कमीशन ने सुझाव मांगे हैं, इस पर सियासी घमासान लगातार जारी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।